हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं लखपति योजना की। और ये लखपति योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये मेरे द्वारा बताई गई बात नहीं है, ये पेपर की सुर्खियों की न्यूज़ है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्या है कैसे है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस योजना के बारे में जानेगा वही लाभ उठाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहें। और आपको बता दें कि अगर आपने चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सरकारी योजनाओं, सरकार से रिलेटेड जो भी योजना स्कीम होती हैं वो सबसे पहले सही तरीके से बताई जाती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और आपको बता दें कि 15 लाख महिलाएँ बनेंगी लखपति। कैसे बनेंगी? लखनऊ विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है। प्रदेश सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। और इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसे में प्रयास किए जाएंगे कि उनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जाए। कैसे पहुंचाएगी सरकार, उसकी कुछ प्लानिंग है, कुछ योजना है, ये जानते हैं। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने ये कार्यक्रम रूपरेखा संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। इसको जो है मिशन मोड के नाम से जल्द ही लागू किया जाएगा और नतीजे हासिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि 11 जिले में ये शुरुआत होगी पहले, और चरण में 11 चरण में शुरुआत की जाएगी। साथ में इसमें वाराणसी प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, सोनभद्र जैसे ऐसे तमाम जिले शामिल हैं, जिसमें चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, मैंने अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़े हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जोड़कर वार्षिक आय की बढ़ोतरी की जाएगी और साथ में विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 वर्षों के अंदर इसमें असली जमा पहचानना है और जितनी भी गांव की महिलाएं हैं उनकी आय को दुगना करना है। यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिल रहा है संबल, जिसमें 45,000 से ज़्यादा बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग संख्या नियुक्त हैं। 31 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति पेंशन दिया जाता है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर करोड़ों महिलाओं को जोड़ा गया है। महिला स्वयं सहायता समूह में ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। और 5 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों ने 758 करोड़ से ज़्यादा रिवॉल्विंग फंड ले चुकी हैं। करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 32-38 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश भी कर चुकी हैं। तो महिलाओं के लिए सरकार का ये प्रयास कैसा है, हालांकि ये योजना क्या है, कैसे इसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, वो सारी बातें वीडियो में बना बना कर हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो योजनाओं का लाभ पाते रहेंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो भी काफ़ी जानकारी वाली होगी, कैसे आप योजना का लाभ लेंगे वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ना है। और अपना जो भी प्रश्न है आप निसंकोच कमेंट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आप कमेंट कर सकते हैं जो आपके मन में प्रश्न हो, अगर बातें समझ में नहीं आई हो, आपके लिए ही चैनल है और आपका ही चैनल है, आपको पूरी मदद जरूर मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए, आज की वीडियो में यहीं तक था। और वीडियो की जो भी बातें हैं अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें।